25 साल से टूट माजरा गांव बिल्कुल परेशान है, खनन कर रखा है सगीर प्रधान ने आज ही हो। इस पर खनन की वजह से गांव वाले स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते हैं और बरसात में बंधा टूट जाता है। अब ये रास्ता सारा खदे करके अब स्कूल के बच्चे कहाँ यार डेड बॉडी नहीं जलाई जा सकती, इसमें खनन हो रहा है, इसमें देखो कहाँ डेड बॉडी जलाएगा। इधर आएंगे गोली की धमकी देता है मालिक, खड़ा होगा गट्टा लेगा हाथ से बंदूक लेगा। सरकार धर्म सिंह श्रेणी भी कोई निर्वाला नहीं, सरकार होगी समाजवादी सरकार थी, योगी सरकार में मेरे पास जो भी थोड़ा निर्वाला है खनन किया गया, ग्राम समाज की जमीन में क्रेशर लगाया गया, उसके बाद इसमें खनन किया गया जमीन में। सगीर करके है ढाबे से प्रधान रहा वो अपने टाइम में, उसी ने ये काम किया है पूरा, और प्रशासन सारा तहसील प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है। चल पा रहा जी यहाँ तहसील प्रशासन ने बाबा का बुलडोजर पर पूरा ब्रेक लगाया हुआ है, शासन को कोई भी सही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, कोई जाँच आती है अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के जांच पेश कर देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस न्यूज में, और मैं पुरुषोत्तम सैनी। आपको बता दें भेड़ विधानसभा का एक ऐसा गांव जहां पर बताया जाता है मृतकों को जलाने के लिए उनके पास आज तक 15 साल से कोई जगह आवंटित नहीं की गई है। आखिरकार उसके पीछे की क्या वजह है, पीछे की तस्वीरें कैमरा मैन से कहूँगा वो दिखाएंगे आपको। ये वो जगह बताई जाती है जहाँ पर मृतकों को लाकर उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाता था। आखिरकार आज यहाँ पर जनता जो इतनी जमावड़ा लगा चुकी है, सरकार के प्रति नाराजगी है, विधायकों के प्रति नाराजगी है, एक करके बातचीत करना चाहेंगे भाई साहब, नाम जानना चाहेंगे आपका। अमरीश सैनी जी क्या कुछ कहेंगे, कुछ बता रहे थे हमारे पास, रात एक फोन आता है कि हमारे पास मृतक को अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये ऐसा है जी, हमारा संस्कार होते थे यहीं पे पहले जी, तो यहाँ इस आदमी ने पट्टे कटवा के इसमें ग्राम समाज की जमीन में, और हमारा रास्ता भी यहीं से होके जाता था जी। पट्टे कटवा के पूरे हमारा रास्ता बंद किया सबसे पहले, उसके बाद हमारा शमशान घाट पूरा माइनिंग करके स्थिति आपके सामने है। 2008 से हम लोग लड़ते आ रहे, 18 में पट्टे कैंसिल कराए, आज तक प्रशासन ने इनको कब्जा मुक्त नहीं कराया। और जब भी कोई संस्कार होता है ऐसा, हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। 2008 से पहले जो गांव में मृतक होते थे उनका अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया जाता था? होता था ये स्थान पूरा लेवल था, इसके लेवल में था, ये पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ स्थिति बदली है 2008 के बाद बदली है, 8 के बाद बदली है, 8 के बाद इसमें खनन किया गया, ग्राम समाज की जमीन में क्रेशर लगाया गया, उसके बाद इसमें खनन किया गया जमीन में। क्रेशर किन लोगों का लगा हुआ है? ये सगीर करके है ढाबे से प्रधान रहा वो अपने टाइम में, उसी ने ये काम किया है पूरा, और प्रशासन सारा तहसील प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है पूरा। तो ये वर्तमान में बाबा योगी की सरकार है, तमाम गुंडे मुंह माफ है, बुलडोजर बाबा का एकदम तेजी से चलता है, क्या बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाया अब तक? यहाँ चल पा रहा जी, यहाँ तहसील प्रशासन ने बाबा का बुलडोजर पर पूरा ब्रेक लगाया हुआ है, शासन को कोई भी सही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, कोई जांच आती है अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के जांच पेश कर देते हैं। तमाम गांव के यहां पर कुछ और बुजुर्ग व्यक्ति भी, उनसे एक एक करके बात करना चाहेंगे। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनेसर है जी। कौन से गांव से? डुडू माजरे से जी। क्या कुछ कहेंगे, तमाम जनता यहां पर मौजूद है, नाराजगी है, बेचैन हो रही है जी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कलगा मुर्दा पड़ा, कहां ले जाए? तो अब तक कोई सरकारी अधिकारी कोई रास्ता नहीं दे रही, प्रशासनिक अधिकारी तो आए हुए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, स्थानीय पुलिस भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, ये कोई रास्ता नहीं दे रहे, सब अब गम रुहा हो रहे। आपसे बातचीत करेंगे ताऊ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सोम प्रकाश है। सोम प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले? डुडू माजरे के जी। डुडू माजरे के, हाँ जी। बताया जा रहा है जैसे कोई शव है आज यहाँ, तो इस तरह ही आज मतलब 20 साल एक मतलब यहाँ देखते हो, बस जो सर प्रसाद ना हुआ कुछ निकल कर जाता है, कोई इस तरह लखनऊ थोड़ी फिर आए, मतलब आज भी वहीं गए हमारे पास, आज भी 4 दिन वहीं बैठे जी, अच्छा आज कुछ नहीं होया प्रसाद सारा, बस बिगड़ा समझ लो चाहे कुछ समझ लो। मगर भाई से बातचीत हुई, बताया थे कुछ समय पहले ये तार बाड़ भी की गई थी, शायद ये बाउंड्री वाल है, खंबे कटवा दे यहाँ से प्रसाद नाड़ दे पिछले साल ने। थोड़ा कैमरा पर से थोड़ा अच्छा। बाकी से आगे आगे तस्वीरें भी दिखाएंगे, थोड़ा आगे आ जाइए साहू जी, दिखाइए तस्वीरें। अभी बस डेड बॉडी गांव में पड़ी हुई सुनने में आया है, किस तरीके से अंतिम संस्कार होगा, कुछ निष्कर्ष निकला? यहाँ एक लकड़ी लावा तार के नीचे जी, वो चढ़ावा यहाँ से घेरा आने का, और 20 आदमी मुर्दे पड़ गए नीचे तारे हैं उसे, यहाँ से गंदे आगे तारने के जी। क्या कुछ कहेंगे ताऊ जी, आपसे बात पूछेंगे, बताइए। सर यो गाँव इतना परेशान है, इनके बच्चे भी नदी आ जा घर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और जी बस बात यह है, यहाँ पैसे वाले का प्रशासन चल रहा है, प्रशासन हमारी तरफ से बिल्कुल, पैसे वाला कोई भी हो आखिर अंतिम रूप तो यहीं पर लेना पड़ता है, सबको आना ही पड़ता है। कोई नहीं अपने अंदर यह भावना कोई नहीं सोच रहा है, ये सिर्फ अपना स्वार्थ सोच रहे, जनता का कुछ नहीं सोचा जा रही।
क्या लगता है वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, कुछ निकलेगा फैसला? मालक कोई बात ही नहीं जा रही जी, यहीं से यहीं गमामा भरा हुआ है अपनी सदाबले। मैंने भी विधायक साहब रहे आपके नरेश सैनी जी, उनके सामने आपने कभी मुद्दा उठाया हो? हाँ जी, उनके सामने भी कई बार हुआ, हुआ कुछ नहीं जी। धर्म सिंह सैनी भी आया, कुछ नहीं हुआ जी। मौजूदा विधायक आपके यहाँ उमर अली खान है, उनको कभी अवगत कराया इस विषय पर? मैंने आए जी हाँ। क्या बोलते हैं पर बातचीत होती हो तो? कुछ नहीं जो सुनाई नहीं, प्रशासन सुनाई नहीं ले रहा जी हमारे को। कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे, कोई युवा मौजूद है यहाँ पे? भाई साहब भाग रहे आप तो कैमरा छोड़कर। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद, क्या कहेंगे, कुछ मुद्दा है आपके बता रहे हैं, नजरों में आ रहा होगा मुद्दा? क्या बस ये प्रशासन भी पैसे घरान पता और क्या है मामला, बस प्रशासन की भी कहीं मिली भगत लग रही है? हाँ लग रही है, तो ये तो लगी रही आम आदमी की सुनी जा रही है। यहाँ से ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, सीधा सीधा प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं? प्रशासन पर उठाने ही पड़ेगा जी, आम आदमी की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू जी। सोनू भाई क्या कहेंगे? जी जी मैं संकल गए थे, तो मेरे हाथों में छल्ले पड़ गए जी। संकल कैसी गेट तो समझा जी, जरीब कभी जंगल में कर देंगे मुझे, वहाँ पानी में बढ़ देंगे इतने में, कदे कहते इंगा बाढ़ता कदे कहे इंगा पूरी होगी। तो लगभग ये शमशान की जमीन बताइए थे, कितने बीघा जमीन रही है, कागजों में कितनी आती है? कागजों में जी काफी है जी, ग्राम समाज की जमीन 68 बीघे। अभी क्रेशर तो बंद है, फिर रास्ता क्यों बंद कर दिया गया आप लोगों का? क्रेशर तो बंद है जी, क्लेशर जी क्लेशर में तो गया जी खदन। अच्छा, भर भर के जी। अभी जिसका मुख्य मार्ग था, मुख्य मार्ग कौन सा है, तस्वीरें दिखाइए आप हमें मुख्य मार्ग जी। ये जी कैमरा पर्सन को थोड़ा आगे आएंगे, वो चीजें भी दिखाएंगे जो बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, जो यहाँ के स्थानीय है जहाँ बता रहे हैं कि शवों को लाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। जी ये हाल कर दिया शमशान का जी, जी इन्होंने क्लेशर वालों ने। तो दर्शकों आपको दिखा सकता हूँ, अगर बात करें जिस ऊंचाई पर मैं खड़ू, तकरीबन यहाँ से 20 फुट की वो गहराई है। ऐसे में सवाल ऐसे पैदा होते हैं कि अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर कैसे हो।